अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम है और मैं किचन गार्डनिंग चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि ये लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसको लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिफरेंट मेरे पास प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं और लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है इसे। तो सबसे पहले जो है वो ये मेरा पौधा है, ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट देख रहे हैं, इसमें फ्लावर भी निकला हुआ है। पर्पल हार्ट की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, मैंने पहले भी आपको उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं फ्लावर, सॉरी प्लांट्स। तो ये भी पर्पल हार्ट है, देखिए सारे पत्ते जो हैं ये पर्पल है इसके, और इसका नाम भी पर्पल हार्ट है। ये एक इजी टू ग्रो, इसमें टॉप पर इसके फ्लावर निकलता है और ये बहुत खूबसूरत पर्पल फ्लावर होता है। देखें ये जो है ये पर्पल फ्लावर है। तो ये इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको शेडेड एरिया में रखते हैं और इसको इसकी जो सॉइल है ना वो मॉइस्ट रखते हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है इसकी और इसे मॉइस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं दिया जाता और ये बहुत अच्छी है, ग्रो करता है। इसको कटिंग से आप लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद ये है विंका रोज़िया। विंका रोज़िया भी एक बहुत अच्छा प्लांट है और ये इसको भी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसको बहुत ज़्यादा इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो उस वक्त इसको सनलाइट में ज़्यादा नहीं रखते, बल्कि इसके को शेडेड एरिया में रख देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से चल सके। इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, इसको बस कंपोस्ट वगैरह और या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसी तरह पर्पल हार्ट को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी फर्टिलाइज़र हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये मेरे पास जेट्रोपा प्लांट है। जेट्रोपा जो प्लांट है वो भी इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट की नहीं और ना बहुत ज़्यादा इसको पानी दिया जाता है। इतना पानी देते हैं इसको और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए इसकी भी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत महसूस होते हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल ली जाती है इसकी और इसको पानी जब उस वक्त दिया जाता है जब इसकी अपर सरफेस जो है ना पॉट की वो ड्राई हो जाए, फिर हम इसको पानी दे सकते हैं। लेकिन इसको भी बहुत ये भी धूप का पौधा है, लेकिन बहुत जब तेज़ धूप होती है, हमारे यहाँ गर्मी जब पड़ती है तो ये उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा धूप में मुरझा सकता है, तो लिहाजा इसकी उस वक्त इसकी केयर की जाती है। उसके अलावा ये है मॉस रोज़। तो आप जानते हैं कि कितना खूबसूरत फ्लावर देना है। देखिए एक ही पॉट में मेरे ये देखें फ्लावर देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है, ये देखें और कितने कलर इसमें हैं, फ्लावर के कितने कलर हैं और कितने खूबसूरत महसूस हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक प्लांट है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगे हुए हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, इस पर वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक प्लांट है फ्लावर देने वाला और बहुत इसके फ्लावर जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसका देखिए ये फ्लावर जो है ना लाइका रोज़ फ्लावर, यानी अगर आप स्मॉल रोज़ फ्लावर इसे कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह होता है और छोटा होता है उसके मुकाबले में बहुत, लेकिन देखने में ये बहुत खूबसूरत महसूस होता है। तो इसको भी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, पानी भी इसको कम दिया जाता है, खाद की भी इतनी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती। इसमें को लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाता है, वो भी 15 दिन के बाद या 3-4 हफ्ते के बाद दे सकते हैं, तो इसकी नशोनुमा जो है वो अच्छी चल सकती है। अगर हम पानी और वेल ड्रेन्ड सॉइल लेते हैं इसमें भी, अगर हम पानी इसको ज़्यादा दे देंगे ना तो ये फिर सौगी हो जाएगा और इसकी जड़ें जो देख रहे हैं आप कितना प्लांट जो है वो इसकी स्टेम्स कितनी नाजुक हैं, उसकी जड़ें भी बहुत नाजुक होती हैं, तो ज़्यादा पानी की वजह से ओवर वाटरिंग की वजह से पानी इसकी जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं। तो लिहाजा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा
पानी ना दिया जाए, बल्कि जब इसकी सरफेस, बल्कि 2-3 दिन के 2 दिन के बाद इसको पानी दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी से चलती रहती है। इसके बाद जो ये मेरे पास प्लांट है, इसको कहते हैं एरेंथेमम, एरेंथेमम प्लांट है। इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इसकी काफ़ी 22 के करीब स्पीशीज़ हैं, और ये भी कटिंग से इसको हम ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग से ये लग जाता है और ये भी एक फ्लावर, इसमें फ्लावर आते हैं। ये देखें, ये दूसरा एक इसी का पौधा है, इसमें ये फ्लावर लगे हुए, तो ये एक फ्लावरिंग पौधा है और इसको लो, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, लो मेंटेनेंस पर ये ग्रो कर सकता है, चल सकता है, और इसमें इसको भी वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते और इसको फर्टिलाइज़र भी, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। और ये पौधा जो है, ये भी इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम कटिंग, ये मैंने जो पौधा लगाया ना, ये जो मेरे सामने पौधा रखा है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया। मेरे पास इसके बड़े पौधे भी हैं तो मैंने इसको कटिंग से ही लगाया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसके फ्लावर लग रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पौधा है। ये तमाम पौधे जो हैं वो लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, और ये इसकी भी मैंने जेट्रोपा की भी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं रोज माउस की भी बना चुकी हूँ, लिटिल सॉरी पर्पल हार्ट की भी बना चुकी हूँ। ये देखिए पर्पल हार्ट, ये भी फ्लावर देता है, और ये विंका रोजिया, इन सब की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये एक बहुत अच्छे फ्लावरिंग देने वाले पौधे हैं और इनकी ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये हम घर में इजी ग्रो कर सकते हैं। और ये सब ज़्यादातर जो है वो कटिंग, ये भी मैं, ये रोज़ मॉस जो है ये भी कटिंग के ज़रिए लगाया है, इसको भी, ये लिटिल पर्पल हार्ट है, इसको भी कटिंग के ज़रिए हम लगा सकते हैं। विंका रोजिया को भी कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। जेट्रोपा को भी मैंने अभी लगाया है एक उस कटिंग के ज़रिए। तो ये सारे जो प्लांट है ना, ये भी कटिंग के ज़रिए, रेंथेमम भी जो है ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। और ये जो प्लांट है ना, ये सारे प्लांट मेरे पास जो आप फ्लावरिंग प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तमाम के तमाम जो हैं वो कटिंग से लग जाते हैं। और अगर इनकी, इनको सही वक्त पे पानी और इनकी धूप का ख्याल रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप इनको पसंद नहीं है, तो जब टेम्परेचर 40 के करीब पहुंच जाता है तो उस वक्त थोड़ा इनको शेडेड एरिया में पौधों को रखना चाहिए। हालांकि ये धूप के ही पौधे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब धूप हो तो उसको थोड़ा शेडेड एरिया में रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो पसंद आए होंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स और लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट हैं ये। तो आइंदा किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।